सो हाय गाइस, मैं शुभम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं TVS Apache RTR 200 4V एंड 160 4V। हालांकि ये BS4 मॉडल है, बट मैं यहाँ पे जो कंपेयर करने वाला हूँ BS6 से भी आप कंपेयर कर सकते हो, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें इनकी डिज़ाइन की, तो अगर आप देखोगे तो ये 200cc जो डिज़ाइन आती है उसमें स्प्लिट सीट आती है, यहाँ पे अलग अलग सीट आती है, और 164V में एक सिंगल सीट आती है। तो थोड़ा सा लुक एंड फील की अगर आप बात करोगे तो आपको लुक एंड फील में थोड़ा सा 200cc वाली बाइक अच्छी लगेगी आपको। और सबसे मेन डिफरेंस इंजन का है, वो 160cc का इंजन है और ये 200cc का इंजन है। मैं स्टार्टिंग में वीडियो में पहले बताता हूँ, ये BS4 वाला मॉडल है, बट मैं जो कंपेयर करने वाला हूँ, जो लेटेस्ट अभी गाड़ी आ रही है BS6 में, जिसमें मोड वगैरह आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर करने वाला हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो आपको 160cc चाहिए या फिर 200cc चाहिए, ठीक है। पहला कंपैरिजन ये हो चुका है कि दोनों के इंजन में डिफरेंस है। सेकंड कंपेयर की बात करोगे तो LED दोनों में सेम आने लगी है, सेम ऐसी LED आपको देखने को मिलेगी। जो 160 आएगी उसमें सेम ऐसी LED आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करें इनकी कुछ और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले इनके पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर के अकॉर्डिंग ये जो गाड़ी है 200cc, वो 20.82 BHP का पावर प्रोड्यूस करेगी, और 160cc की जो बाइक है 17.63 BHP का पावर प्रोड्यूस करेगी। तो पावर के मामले में दोनों लगभग से सेम सी है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और आगे बात करें इनके कुछ और चीज़ों के बारे में, तो सबसे मेन डिफरेंस जो आएगा डिजिटल मीटर में आएगा। ये जो यहाँ पे डिजिटल मीटर देख पा रहे हो, सेम डिजिटल मीटर आपको 160cc में देखने को मिलेगा, बट ये डिजिटल मीटर की लाइट आपको वाइट वाली देखने को मिलेगी, और इसमें ब्लूटूथ, लैप टाइमर मोड वगैरह सब कुछ आते हैं। और जो 160cc की बाइक आएगी उसमें थोड़ा सा येलो वाला इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलेगा, हालांकि अभी ये पुराना वाला है, बट नए वाले में आपको सेम वैसा देखने को मिलेगा। विदाउट ब्लूटूथ वाली गाड़ी में आपको जो है येलो वाला देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ वाली गाड़ी में आपको सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 160cc का जो स्पेशल मॉडल आता है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगली चीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर राइडिंग मोड इसमें दिए हुए हैं 200cc वाली में, ये देख लीजिए आप। और 160cc की जो RM मॉडल और जो आ रही है ब्लूटूथ वाली गाड़ी स्पेशल एडिशन, उसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अब कुछ अलग डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या है। पहली चीज़, यहाँ पे इसमें ABS दिया हुआ है और इसमें भी आपको ABS देखने को मिलेगा, बट मेन डिफरेंस पता है क्या है, 160cc की बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है। पीछे वाले ट्रैम में ड्रम वाला वेरिएंट ही है, आप डिस्क वाला वेरिएंट भी ले सकते हो, पर उसमें डिस्क मतलब जो है ABS है वो नहीं मिलेगा। बट 200cc की बाइक में आपको यहाँ पे ABS देखने को मिलेगा, मतलब दोनों टायर में आपको ABS देखने को मिलेगा, और वो काफ़ी कमाल की बात है, ठीक है। अगला जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे इसमें शोवा के सस्पेंशन दिए हुए हैं 200cc की बाइक में, इसमें शोवा के सस्पेंशन नहीं है, और आते भी होंगे तो मेन डिफरेंस पता है क्या है, इसमें जो सस्पेंशन दिए हुए हैं वो एडजस्टेबल सस्पेंशन है, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हो प्री लोड के अकॉर्डिंग। तो 200cc में ये फ़ायदा है कि आपको सस्पेंशन एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। ब्रेक सस्पेंशन की बात करोगे, दोनों में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है, जो रेड कलर का है वो दिख रहा है आपको, और इसमें भी सेम वही सस्पेंशन है। अगले मेन डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार दिया हुआ है, मतलब ये देख लीजिए सेम हैंडल नहीं है, यहाँ पे क्लिप लगे हुए हैं, वो वाला हैंडल है, बट इसमें सिंगल हैंडल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है इस हैंडल की वजह से और इस डिज़ाइन की वजह से, तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर दी हुई है। एक और मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें एक DCRLV का फीचर दिया हुआ है डुअल चैनल ABS के साथ में। अगर आप एकदम से आगे वाला ब्रेक लगाते हो तो आपका पीछे वाला टायर पुलअप होता है, बट इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें DCRLV का फीचर दिया हुआ है। अगर आप ब्रेक से देखोगे तो दोनों गाड़ियों की डिज़ाइन सेम सी है, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगी आपको, सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। हाँ, मेन डिफरेंस ये भी है, यहाँ पर इसमें सीट लॉक का बटन दिया हुआ है, तो आपकी पूरी सीट है वो निकल जाती है, बट इसमें यहाँ पर कोई भी लॉक नहीं है, बट ये लॉक है वो यहाँ पे है। इसमें केवल आप ये सीट अलग कर सकते हो, मैं यहाँ पे अलग करके दिखा देता हूँ आपको, और इसमें कुछ आप सामान वगैरह रखना चाहो तो आप रख सकते हो ऐसे, बट उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें आपकी जो पूरी सीट है वो ही निकलेगी आपकी। और कुछ और चीज़ों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 200cc वाला वेरियंट में डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, वो आपको काफ़ी सही तरीके से ब्रेक वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और अगली चीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस वेरिएंट में 200cc में RT स्लीपर क्लच दिया हुआ है, ये रहा RT स्लीपर क्लच, और इसमें कोई भी RT स्लीपर क्लच नहीं है। RT स्लीपर क्लच से ये होता है, अगर आप इंजन ब्रेकिंग करते हो, अगर आप एकदम से गियर चेंज करते हो तो आपकी गाड़ी झटका नहीं मारती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। अगला मेन डिफरेंस जो ये है, अगर आप 160cc की चेन देखते हो तो चेन सिंपल सी चेन है, पर अगर आप 200cc की चेन देखते हो तो यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड चेन दी हुई है, यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड चेन है, और तो इसमें थोड़ी सी अच्छी लगती है लुक वाइज, और
थोड़ा सा अच्छी चेन इसमें दी हुई है, तो आपको गाड़ी चलाने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, ये कुछ चीज़ें थी जो आप एडजस्ट कर सकते हो, सस्पेंशन वगैरह। और अब मेन सवाल ये है कि आपको 160 सीसी खरीदनी चाहिए या फिर 200 सीसी खरीदनी चाहिए। थोड़ा सा इनकी टायर की रिम है उसमें भी फ़र्क है, यहाँ पर रिम देख सकते हो, उसकी रिम ऐसी है और उसकी रिम थोड़ी इस प्रकार की है नॉर्मल बाइक की तरह। और अगली चीज़ इसमें जो पीछे वाला टायर है मैं आपको दिखाता हूँ, आगे वाला टायर दोनों में 90x90 सेक्शन का दिया हुआ ही रहा, 90x90 17 सेक्शन। और इसमें भी अगर आप देखते हो तो 90x90 का ही टायर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 90x90 और 17। पीछे वाले टायर की मैं बात करूँ तो पीछे वाला टायर यहाँ पे 130x70 सेक्शन का R17, मतलब रेडियल टायर है 200 सीसी में, बट इसमें आपको 110 का टायर दिया हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 110 80 सेक्शन का है, बट ये रेडियल टायर नहीं है। तो रेडियल टायर में फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी सी अच्छी ग्रिप मिलती है, थोड़ी सी अच्छी ट्यूनिंग मिलती है आपको गाड़ी के साथ में। दोनों के लुक की बात करोगे तो मुझे पर्सनली 200 सीसी वाली गाड़ी अच्छी लगती है, बट एवरेज के मामले में 160 सीसी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको एवरेज नहीं, लंबी राइडिंग चाहिए, सिटी की राइडिंग नहीं चाहिए, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो सिटी की राइडिंग के लिए तो, और विदाउट सिटी राइडिंग हाईवे की राइडिंग के लिए आप ये कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपको केवल सिटी में चलानी है तो मुझे लगता है 160 सीसी आपके लिए बहुत है, बट अगर लंबी राइडिंग करनी है तो 200 सीसी की बाइक आपको लेनी चाहिए। और अब आप लोगों को पता लग गया होगा कौन कौन सी चीज़ें में क्या क्या डिफरेंस है, प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। अभी 160 सीसी वाली बाइक है वो 1,43,000 के समथिंग आ रही है, और ये वाली जो 200 सीसी की बाइक है 1,72,000 के समथिंग आ रही है। तो ये भी एक 20-30,000 रुपये का डिफरेंस है जो कि आप देख सकते हो। और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता ही दी है कि टायर दोनों में ट्यूबलेस आते हैं, और यहाँ पर रिम वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको गाड़ी थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलती है। और इसमें ब्लूटूथ भी आता है, हालांकि इसमें ब्लूटूथ आने लगा है, बट इसमें ब्लूटूथ में से कॉल वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, कॉल वगैरह एंड कर सकते हो, वो आप इसमें भी कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें अब आपको बता दूँ, अगर आपको 160 सीसी लेनी है तो आपको सिटी राइडिंग के लिए बेस्ट है, अगर आपको सेफ्टी मेजरमेंट के लिए या फिर हाईवे के लिए गाड़ी लेनी है 200 सीसी बेस्ट है, क्योंकि डुअल चैनल ABS है, स्लिपर क्लच है, क्लिप ऑन हैंडल बार है, स्प्लिट सीट है, तो आपको अच्छी ग्रिप मिल जाती है, अच्छी बाइक मिल जाती है, और ये सिटी के लिए ये अच्छी है। अगर नेक्स्ट रीजन की मैं बात करूँ तो 200 सीसी में यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर आते हैं, 1, 2, 3 का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, बट इसमें 160 में कोई लीवर नहीं आता है अनलेस आप स्पेशल एडिशन नहीं लेते हो। तो अगर आप स्पेशल एडिशन लेते हो तो आपको एडजस्टेबल लीवर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक्स की बात करोगे तो ग्राफिक्स थोड़े से RTR 200 में यहाँ पे RTR लिखा हुआ रहता है, वो काफ़ी कमाल का लगता है, बट इसमें कोई भी ग्राफिक नहीं है ऐसा RTR लिखा हुआ। दोनों में 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है, तो दोनों की कैपेसिटी सेम है और सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट थोड़ी सी ओवरऑल मुझे लुक के मामले में ये अच्छी लगती है, क्योंकि इसका थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आता है, बट उसमें नॉर्मल सी बाइक लगती है, तो वो वाली चीज़ है। बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाते रहूँगा, और एक लंबी ट्रिप पर भी जाने वाला है, वो भी आपको दिखा दूँगा मैं, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तपती धूप है यहाँ पर हार है।